एवं पूर्व सांसद, उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री रहे माननीय बहन कुमारी मायावती जी हम सबके बीच में पहुंच चुकी हैं। माननीय बहन जी के आगमन पर हम सभी माननीय बहन जी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। इनके साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के भी आगमन पर हम सभी इनका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। माननीय चौधरी अजीत सिंह के आगमन पर हम सभी इनका स्वागत व अभिनंदन करते हैं। इनके साथ ही बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी भी आए हुए हैं, इनका भी हम स्वागत करते हैं। इनके साथ साथ माननीय बहन जी के छोटे भाई के बेटे श्री आकाश आनंद जी भी आए हुए हैं, उनका भी खासकर यहाँ युवा वर्ग हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता है। जोरदार तालियों से साथियों स्वागत करने का काम करें। वाराणसी लोकसभा के प्रत्याशी श्रीमती शालिनी यादव जी से आग्रह करेंगे और चंदौली लोकसभा के प्रत्याशी श्री संजय चौहान जी से आग्रह करेंगे कि वो आए। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद व उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री रहीं माननीय बहन सुश्री मायावती जी को हाथी का स्मृति चिन्ह देकर के भेंट करें, स्वागत करें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे माननीय श्री अखिलेश यादव जी को साइकिल प्रतीक चिन्ह भेंट करने का काम करें। वाराणसी लोकसभा के प्रत्याशी श्रीमती शालिनी यादव जी और चंदौली लोकसभा के प्रत्याशी श्री संजय यादव जी। वाराणसी लोकसभा के प्रत्याशी श्रीमती शालिनी यादव जी से आग्रह है, हमारे बीच में बहादुर तेज बहादुर यादव जी आए। राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकदल व पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री अजीत सिंह जी को फूलों का गुलदस्ता दे करके सम्मानित करेंगे तेज बहादुर। क्या बोल रहा हूँ तेज बहादुर यादव जी फूलों का गुलदस्ता दे करके स्मृति चिन्ह दे करके सम्मानित करने का काम करें। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी को फूलों का गुलदस्ता दे करके वाराणसी लोकसभा के प्रत्याशी श्रीमती शालिनी यादव जी देने का कष्ट करें। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी को और माननीय बहन जी के छोटे भाई के बेटे श्री आकाश आनंद जी को फूलों का गुलदस्ता दे करके भेंट करें माननीय श्रीमती शालिनी यादव जी। माननीय बहन जी के छोटे भाई के बेटे श्री आकाश हो गया। अब
बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद व उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रहे माननीय बहन कुमारी मायावती जी से अनुरोध करते हैं कि इस विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करने का कृपा करें। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए यहाँ गठबंधन के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग बीएसपी, सपा व आरएलडी के बने गठबंधन के अपने लोकसभा उम्मीदवारों के समर्थन में मेरे साथ साथ सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव को तथा आरएलडी के प्रमुख चौधरी अजीत सिंह को भी सुनने के लिए यहाँ भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और वैसे आज मुझे आपकी इस अपार भीड़ व भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार चुनाव में आप लोग नमो नमो वालों की जरूर छुट्टी करने वाले हैं और अपने जय भीम वालों को ही लाने वाले हैं, और आपकी ये इच्छा भी जरूर पूरी हो जाएगी यदि आप लोग इस चुनाव में यहाँ अपने गठबंधन का अच्छा रिजल्ट ले आते हैं। लेकिन अब मैं आप लोगों का ध्यान इस चुनाव में अपने गठबंधन के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज़्यादातर सत्ता यहाँ इसी कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित रही है, किंतु यहाँ खास ध्यान देने की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के केंद्र में व अधिकतर राज्यों में भी लंबे अरसे तक रहे शासनकाल में इनके अधिकांश रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है। और इतना ही नहीं, आप लोगों को ये मालूम है कि अंग्रेजों के जाने के बाद केंद्र में और देश के ज़्यादातर राज्यों में भी और आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में भी तो कांग्रेस पार्टी ही लंबे अरसे तक सत्ता में रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ना तो पूरे देश में गरीब लोगों की गरीबी दूर की, ना बेरोजगारी दूर की, और ना ही जो किसान लोग हैं वो भी हमें खुशहाल नज़र आए, और इसके साथ साथ जो अन्य जरूरतमंद लोग हैं वो भी अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए हमें नहीं नजर आए। और इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी मालूम है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के तहत इस देश के खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को जो भारतीय संविधान में आरक्षण वे अन्य और कानूनी अधिकार दिए, तो उनका भी पूरा लाभ कांग्रेस पार्टी की हुकूमत में हमारे लोगों को नहीं मिल पाया। तब जाकर फिर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश के दबे कुचले लोगों को
उपेक्षित लोगों को, शोषित और पीड़ित लोगों को ये कहा था कि मैंने कानूनी अधिकार तो आप लोगों को दिला दिए हैं, लेकिन इसका पूरा लाभ आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि यदि आप लोग वास्तव में तो कानूनी अधिकारों का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों को केंद्र और राज्यों की भी राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में लेनी होगी। और इसी के तहत ही फिर 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया। उसके बाद समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियां भी आप लोगों को सामने नजर आई हैं, उनका भी गठन हुआ है। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि यदि कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी ईमानदारी निष्ठा से कार्य किया होता, सही नीतियों के तहत, सही कार्यशैली के तहत कार्य किया होता, तो फिर हमें बहुजन समाज पार्टी व समाजवादी पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। और आज जो पूरे देश में बीजेपी के शासनकाल में जो पूरे देश की जनता का हर स्तर पर शोषण व उत्पीड़न आदि हो रहा है, ये भी होता हुआ नजर नहीं आता। इसके लिए सही मायने में यदि जिम्मेवार है तो कांग्रेस पार्टी है। और अब वर्तमान में देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में बीजेपी भी केंद्र में अपनी सरकार की रही, खासकर आरएसएसवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक, द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार ये भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता से जरूर बाहर चली जाएगी। और अभी चुनाव में इनकी कोई भी नाटकबाजी व जुमलेबाजी आदि काम में आने वाली नहीं है, जिसकी मुख्य वजह ये है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनत कश लोगों को भी, जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो उनका अभी तक भी इन्होंने जमीनी हकीकत में लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय वे ताकत भी यह इनके अपने चहेते वे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धन्ना सेठों को ही और भी ज्यादा मालामाल वे धनवान आदि बनाने में तथा इन्हें हर स्तर पर बचाने के लिए इनकी पूरी चौकीदारी करने पर ही लगा रहा है। जबकि यह देश के किसान तो इस सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी रहे हैं और अभी भी हैं। और खासकर उत्तर प्रदेश में तो यहाँ बीजेपी की सरकार ने अपने छोड़े गए आवारा जानवरों व पशुओं के जरिए इनको और भी ज्यादा बर्बाद करके रख दिया है। इसी प्रकार केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी खासकर जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक व पूंजीवादी सोच के चलते हुए यहाँ पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम वे अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी कोई खास विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में अभी तक भी यहाँ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा अधूरा पड़ा है, अर्थात पूरा नहीं हुआ है। इनका पदोन्नति में आरक्षण अभी भी यहाँ प्रभावहीन ही बना हुआ है। और इतना ही नहीं बल्कि केंद्र व राज्यों में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की सरकारों में भी इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही
इनके सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसके साथ ही इनका हर स्तर पर आए दिन शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इन वर्गों के साथ साथ यह मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत अभी तक भी यहाँ काफी ज्यादा खराब व दयनीय ही बनी हुई है। और अब वर्तमान में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास व उत्थान होना भी लगभग बंद सा ही हो गया है। और अब इन पर हर स्तर पर आए दिन हो रही जुल्म जाति भी यह काफी ज्यादा चरम सीमा पर ही पहुंच गई है। इन लोगों के अलावा इस सरकार में यह अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इसके साथ ही इनकी केंद्र की सरकार ने पूरे देश में खासकर नोटबंदी व जीएसटी को जिस प्रकार से बिना पूरी तैयारी के ही इसे बहुत जल्दबाजी में लागू किया है, तो उससे अब यहाँ पूरे देश में गरीबी एवं बेरोजगारी और भी ज्यादा बढ़ी है और इससे छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग अभी भी यहाँ काफी ज्यादा दुखी हैं। देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका लगातार काफी बुरा प्रभाव पड़ा है। भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर इस सरकार में काफी ज्यादा बड़ा है, जिससे हमारे यहाँ रक्षा सौदे तक भी अछूते नहीं रहे हैं। इसके अलावा केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार में भी अपने देश की सीमाएं अभी भी पूरे तौर से सुरक्षित नहीं है, जिसकी वजह से ही यहाँ आए दिन आतंकी हमले होते रहते हैं, जिसमें अपने देश के अभी तक यहाँ काफी ज्यादा जवान भी शहीद हो चुके हैं। किंतु इस मामले में अति दुख की बात यह है कि इसे भी अब ये लोग इस चुनाव में किसी न किसी रूप में बुनाने में ही लगे हैं। इसके अलावा जहाँ तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा खासकर वाराणसी को विकसित करने व इसकी साफ सफाई एवं स्वच्छता का तथा यहाँ के बुनकरों सहित अन्य और लोगों की भी रोटी रोजी से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर करने का जो वायदा पूरा करने का जो सवाल है, तो इस मामले में भी श्री मोदी सरकार अपने अन्य लोक लुभावन वायदों की तरह ही यहाँ भी पूरी तरह से विफल ही साबित हुई है। इसके साथ ही पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ सैकड़ों प्राचीन छोटे छोटे मंदिरों को तुड़वाकर आरएसएस की संकीर्ण राजनीति भी की है, जिससे यहाँ बड़ी संख्या में परिवारों को काफी दुख तकलीफें भी झेलनी पड़ी है। और इतना ही नहीं बल्कि यहाँ खासकर गंगा मैया की सफाई कराना ये अकेले वाराणसी का ही नहीं बल्कि ये पूरे देश का एक विशेष मुद्दा है। इसका भी वायदा इन्होंने किया था कि हम गंगा मैया की साफ सफाई कराएंगे, लेकिन लाखों करोड़ रुपया खर्च होने के बावजूद भी यहाँ अभी भी गंगा निर्मल व शुद्ध नहीं बन पाई है। और अब ऐसे में इन्होंने यहाँ अपनी गंगा मैया से भी ये वायदा खिलाफी ही की है। और अब इस मामले में लोगों का यही कहना है कि इस बार बीजेपी को गंगा मैया जरूर सजा देगी और इनको केंद्र की सत्ता से भी जरूर उखाड़ फेंकेगी। यहाँ की गंगा मैया को ये मालूम है कि जब यहाँ की गंगा मैया श्री नरेंद्र मोदी को तो पिछले लोकसभा के आम चुनाव में तो केंद्र की सरकार में उनको सत्ता में बैठाने के लिए अपना आशीर्वाद दे सकती थी, लेकिन जब उन्होंने अपने इनके आशीर्वाद का गंगा मैया के आशीर्वाद का
पूरा फायदा नहीं उठाया है तो गंगा मैया अब अपना आशीर्वाद भी इस लोकसभा के आम चुनाव में उनसे वापिस लेने के लिए जा रही है। इसके साथ साथ यहाँ पूर्वांचल की गरीबी एवं पिछड़ेपन को दूर करने के खास मामलों में भी पीएम श्री नरेंद्र मोदी की सरकार यह अपना वायदा निभाने में भी बुरी तरह से विफल ही साबित हुई है, जबकि केंद्र व उत्तर प्रदेश में भी यहाँ दोनों जगह ही इनकी अपनी पार्टी की ही सरकारें हैं। अर्थात वायदा खिलाफी के मामले में बीजेपी व पीएम श्री नरेंद्र मोदी के पास इसका अब कोई तर्क नहीं रहा है। वास्तव में जनता से वायदा खिलाफी करना इनका जनता के साथ ये बहुत बड़ा धोखा है, जिसके सीधे तौर पर पीएम श्री नरेंद्र मोदी ही दोषी व जिम्मेवार भी हैं, और इससे वे लाख कोशिश करने के बावजूद भी बच नहीं सकते हैं। और अब यहाँ वाराणसी की व पूरे पूर्वांचल की भी जनता इनसे जवाब मांग रही है, और इसकी सजा खासकर यह वाराणसी में भी इन्हें इस चुनाव में पराजित करके दे दे तो इसमें भी किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ऐसे हालातों में अब आप लोगों को इस चुनाव में कांग्रेस बीजेपी व अन्य और विरोधी पार्टियों को भी या किसी भी कीमत पर केंद्र की सत्ता में आसीन नहीं होने देना है, जिनको आप लोग काफी अजमा भी चुके हैं। हालांकि सत्ता प्राप्त करने के लिए अब यहाँ सभी विरोधी पार्टियाँ किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल करने की भी पूरी पूरी कोशिश कर रही हैं, जिनसे आप लोगों को इस चुनाव में भी हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में खासकर विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके ज्यादातर हवा हवाई वे प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के बहकावे में भी बिल्कुल नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद अधिकांश दरकिनारे कर देती हैं। और अब जिन पर से देश की जनता का ज्यादातर विश्वास ही उठता चला जा रहा है, जिसकी खास वजह से ही हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। और इस चुनाव में मैं खासकर बीजेपी व कांग्रेस पार्टी के बारे में भी ये कहना चाहूंगी कि बीजेपी ने देश में पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में अपने जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र में या केंद्र में अपनी सरकार बनने पर देश की जनता को जो अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो इनके अब ये अधिकांश चुनावी वायदे केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही ज्यादातर खोखले ही साबित हुए हैं। और इतना ही नहीं बल्कि चुनाव में इसी प्रकार के प्रलोभन भरे चुनावी वायदे कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, और इस कांग्रेस पार्टी ने देश के खासकर अति गरीबों के वोटों को लुभाने के लिए इनको हर महीने 6000 रुपए के हिसाब से देने की जो ये बात कही है, तो इससे भी इनकी गरीबी को दूर करने का कोई स्थायी हल निकलने वाला नहीं है, जिसे खास ध्यान में रखकर ही हमारा इस संबंध में ये कहना है कि यदि केंद्र में हमें सरकार बनाने का मौका मिलता है तो तब फिर हमारी सरकार यहाँ देश के अति गरीब परिवारों को हर महीने 6000 रुपए देने की बजाय बल्कि इसके स्थान पर उन्हें सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार देने की ही पूरी पूरी व्यवस्था करेगी। इस प्रकार से बीजेपी की तरह कांग्रेस पार्टी के भी ऐसे अनेकों और किए गए इनके प्रलोभन भरे चुनावी वायदों के बहकावे में भी यहाँ अति गरीबों को वे अन्य जरूरतमंद लोगों को भी कतई नहीं आना है, और इन्हें अब यहाँ
केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के वे अपने प्रदेश के तथा पूरे देश के भी हित में अपने वोटों को इन सभी विरोधी पार्टियों को ना देकर केवल यहाँ अपने बने इस गठबंधन को ही देना है, जो ये केंद्र में अपनी सरकार बनने पर फिर यहाँ पूरे देश में अपनी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएंगे। और तभी फिर यहाँ हमारे महान संतों, गुरुओं एवं महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायणा गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिसके लिए अब आप लोगों को इस चुनाव में यहाँ अपने गठबंधन के सभी लोकसभा के उम्मीदवारों को जरूर कामयाब बनाना है। और अच्छी बात यह है कि सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव ने भी अपने गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने के लिए यहाँ अपनी पार्टी के लोगों को भी काफी युद्ध स्तर पर लगाया हुआ है, और वैसे ये खुद भी काफी मेहनत से लगे हुए हैं। और इस मामले में बीएसपी के लोग तो हमेशा ही आगे ही बने रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ मैं अपने गठबंधन के लोगों को ये जरूर कहना चाहूँगी कि यदि आप लोग ये चाहते हैं, यदि आप लोग ये चाहते हैं कि इस बार केंद्र में हम लोग अपनी सरकार बनाएं, तो फिर आप लोगों को यह अपने इस बने गठबंधन की एक एक सीट को जिताना बहुत जरूरी है। आप लोगों को एक एक सीट को जिताना बहुत जरूरी है, और ये सब तभी संभव हो सकता है जब इस चुनाव में यहाँ बीएसपी व सपा के लोग अपना एक एक वोट अपनी इन दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों को ही डलवा देते हैं, ट्रांसफर करवा देते हैं। और ऐसा हो जाने पर फिर इस चुनाव में यह अपने बने इस गठबंधन की अधिकांश सीटें जरूर जीत जाएंगी, और इसके साथ ही फिर आपके इस क्षेत्र की भी यह सभी सीटें जरूर जीत जाएंगी। और वैसे आप लोगों को ये भी मालूम है कि प्रदेश में अभी तक जितने भी चरण के वोट पड़ चुके हैं तो उनकी हमें अधिकांश या अपने गठबंधन के पक्ष में ही काफी अच्छी रिपोर्ट मिल रही है। और अब हमारा आगे का आखिरी चरण, आगे का ये आखिरी चरण भी इनसे और भी ज्यादा ही बेहतर रहने वाला है, जिसकी हमें पूरी पूरी उम्मीद भी है। लेकिन इससे अब यहाँ बीजेपी बहुत ज्यादा घबराई हुई है, और काफी ज्यादा चिंतित भी है, तथा इनकी पूरी नींद भी उड़ी हुई है। और इतना ही नहीं बल्कि इनके ढीले व लटके पड़े चेहरे ये भी बता रहे हैं कि अब इस चुनाव में बीजेपी व इनके गुरु व चेले की अवश्य ही केंद्र में इनकी सरकार जा रही है, ये केंद्र से ये विदा होने के लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही अब इनके 23 मई से बुरे दिन भी आने शुरू हो जाएंगे, और फिर इसके बाद क्या होगा, और फिर इसके बाद यहाँ इनके योगी की भी उत्तर प्रदेश में यहाँ इनके योगी की भी मठ में जाने की तैयारी शुरू हो जाएगी। इस प्रकार से अपनी ऐसी खराब स्थिति को देखते हुए पीएम श्री नरेंद्र मोदी यहाँ जनता की सहानुभूति लेने व उन्हें गुमराह करने के लिए भी किस्म किस्म के हथकंडे खूब इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके तहत अभी अपनी जाति कभी पिछड़ी, कभी गरीब व कभी फकीर आदि भी बता रहे हैं, जबकि इनके बारे में सच्चाई ये है कि ये जन्मजात पिछड़े वर्ग के नहीं हैं। श्री नरेंद्र मोदी जन्मजात पिछड़े वर्ग के नहीं हैं, अर्थात ये जन्मजात
अगड़ी जाति के ही हैं और इन्होंने गुजरात में अपनी सरकार के चलते हुए जुगाड़ करके अपने राजनीतिक लाभ के लिए वे वहाँ पिछड़ों का हक मारने के लिए भी फिर अपनी अगड़ी जाति को ही पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल करवा लिया था, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये जन्मजात पिछड़े वर्ग के नहीं हैं, बल्कि ये केवल कागजी व फर्जी पिछड़े वर्ग के ही हैं और वास्तव में जन्मजात वे असली पिछड़े वर्ग के तो यहाँ के बीच में सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव यहाँ बैठे हैं, जो श्री नरेंद्र मोदी की तरह ना तो ये काजी हैं और ना ही ये फर्जी पिछड़े वर्ग के हैं, बल्कि ये असली हैं। लेकिन ये सब जानते हुए भी श्री नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग के वोटों के स्वार्थ में जो यहाँ जाति की राजनीति कर रहे हैं, तो इससे भी अब यहाँ पिछड़े वर्ग के लोग इनके बहकावे में बिल्कुल भी आने वाले नहीं हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि अपने सत्कंडे में विफल होने के बाद अब ये अपनी जाति गरीब बता रहे हैं, कई गरीब बता रहे हैं तो कई फकीर बता रहे हैं, जबकि इस गरीब व फकीर व्यक्ति ने अर्थात श्री नरेंद्र मोदी ने अपने पूरे 5 वर्षों के शासन काल में यहाँ गरीब लोगों की गरीबी को खत्म करना तो बहुत दूर की बात रही, बल्कि इन्होंने अपनी बिना पूरी तैयारी के ही यहाँ नोटबंदी व जीएसटी को लागू करके अब तो देश के गरीब लोगों को और भी ज्यादा गरीब बना दिया है। तो ऐसी स्थिति में अब ये लोग भी इनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। और आजकल मुझे ये मालूम हुआ है कि ये जो आखिरी चरण है और उत्तर प्रदेश में इस आखिरी चरण में जहाँ भी पीएम श्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभाएं हैं, तो आखिरी चरण में तो इनको अपनी चुनावी जनसभाओं में तो अपनी महिलाओं का काफी आदर सम्मान इनको याद आ रहा है। जगह जगह जाते हैं तो महिलाओं के आदर सम्मान की बात करते हैं, लेकिन श्री नरेंद्र मोदी को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप दूसरों की महिलाओं का बहन बेटियों के आदर सम्मान की बात तो छोड़ो, पहले आप अपनी पत्नी का तो आदर सम्मान कर लो। जो व्यक्ति अपनी पत्नी का आदर सम्मान नहीं कर सकता है, क्या आप उससे उम्मीद कर सकते हैं कि वो दूसरों की बहन बेटी की इज्जत के का मान सम्मान कर सकता है, उनकी इज्जत कर सकता है? और इसका जीता जागता सबूत तो उसकी पत्नी तो है ही, लेकिन बंगाल की मुख्यमंत्री भी है जिनको इन्होंने कितना वहां पर परेशान करके रखा हुआ है। इसके साथ साथ अब तो ये अपनी चुनावी जनसभाओं में ये भी रोना रो रहे हैं, पीएम श्री नरेंद्र मोदी ये भी रोना रो रहे हैं कि मुझे विपक्षी दल मिलकर आए दिन नई नई गाली दे रहे हैं तथा मुझ पर व्यक्तिगत हमले भी कर रहे हैं। जो ये सब नाटकबाजी ये लोग केवल यहाँ जनता की सहानुभूति लेने के लिए ही कर रहे हैं, जिसे जनता अच्छी प्रकार से जानती है, जबकि ये लोग आए दिन हमारे गठबंधन को कभी सांप कभी बिच्छू व कभी नेवला आदि बताते हैं, तो कभी इसे महामिलावटी भी बताते हैं। तो जब ये सब कहते हैं तो इनको ये सब खराब नहीं लगता है, जबकि मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारे इस गठबंधन को ये महामिलावटी बता रहे हैं, ये हमारा जो गठबंधन है ये महामिलावटी नहीं है, ये महासामाजिक परिवर्तन का गठबंधन है। ये पूरे देश में और खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश में तो सामाजिक महापरिवर्तन लाने का ये महागठबंधन है। इसी से ही तो इनकी नींद उड़ी हुई है, इसलिए ये महामिलावटी हम लोग नहीं है। पहले पीएम श्री नरेंद्र मोदी को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए
कि उनका जो एनडीए बना है उसमें कितने पार्टियां शामिल हैं, उसमें कई दर्जन पार्टियां शामिल हैं। तो महामिलावटी तो ये लोग हैं, हम लोग महामिलावटी नहीं है, हम तो शुद्ध हैं, हम तो बिल्कुल दूध के, हम लोग तो बिल्कुल क्लियर कट हैं। हम दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, हमारे में कोई महामिलावट नहीं है। हम लोग तो यहाँ उत्तर प्रदेश में, तो ये जो गठबंधन बना है तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर सही मायने में जिसकी इस समय जरूरत है, जिसकी इस समय जरूरत है, तो सामाजिक महापरिवर्तन लाने की ये इसके लिए गठबंधन बना है। और ये गठबंधन सामाजिक परिवर्तन के जरिए तो केंद्र में ही नहीं, केंद्र में तो श्री नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ के फेंकेगा ही, बल्कि यहाँ उत्तर प्रदेश में भी फिर आगे चलकर श्री योगी की सरकार को भी जरूर उखाड़ के फेंकेगा। लेकिन ये जो हमारे ऊपर ये लोग जो आरोप लगाते हैं, लेकिन जब हमारा ये गठबंधन इन सबका इनको मुंह तोड़ जवाब देता है तो तब फिर इनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, इनको मिर्चें लगती हैं और फिर ये लोग किस्म किस्म की नाटकबाजी करते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि इन्होंने हमारे इस गठबंधन को कमजोर करने व इसे तोड़ने के लिए भी यहाँ बीएसपी व सपा में किस्म किस्म के भ्रम पैदा करने की भी पूरी पूरी कोशिश की है। और अभी भी ये लोग कोशिश में लगे हैं जिसमें इनको बिल्कुल भी सफलता मिलने वाली नहीं है, जिसको लेकर भी अब ये लोग काफी ज्यादा दुखी हैं। लेकिन फिर भी यह मैं इनको ये बात जरूर बता देना चाहती हूँ, ये लोग लाख प्रयत्न कर ले, लेकिन हमारा ये गठबंधन अब टूटने वाला नहीं है। हमारा ये गठबंधन ये बहुत सोच समझ के मजबूती के साथ बना है, ये हमारा गठबंधन लंबा चलेगा। और ये हमारा गठबंधन जब तक चुप होकर नहीं बैठेगा तब तक हम लोग केंद्र के साथ साथ यहाँ उत्तर प्रदेश में भी श्री योगी को सत्ता से बाहर नहीं कर देते हैं। अर्थात अब इनकी हमारे गठबंधन में जो फूट डालो राज करो की नीति अब ये कतई भी यहाँ चलने वाली नहीं है, चाहे ये लोग यहाँ लाख प्रयत्न क्यों भी ना कर लें। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं अंत में यही कहना चाहूंगी, और मेरा आप लोगों से पुरजोर अपील भी है, अनुरोध भी है कि हमने गठबंधन के तहत यहाँ आपकी वाराणसी लोकसभा की सीट से समाजवादी पार्टी की महिला उम्मीदवार श्रीमती सानली यादव को चुनाव के मैदान में उतारा है। हमने महिला उम्मीदवार को यहाँ से चुनाव के मैदान में उतारा है, सानली यादव को। और इसके बगल की जो चंदौली लोकसभा की सीट है, तो चंदौली लोकसभा की सीट से हमने गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार श्री संजय चौहान को भी हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है कि समाजवादी पार्टी के इन दोनों प्रत्याशियों को कामयाब बनाने के लिए आप लोगों को तो समाजवादी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह साइकिल है, तो साइकिल चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इन दोनों प्रत्याशियों को आप लोग भारी वोटों के अंतर से जरूर जिताएंगे। और इसके लिए अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन सबसे पहले सुबह उठते ही वह समय से अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है, और उसके बाद ही फिर आप लोगों को अपना कोई जलपान आदि करना है। और इस मामले में हमारी महिलाएं भी अपने पुरुषों से पीछे नहीं रहेंगी, जो आज भी बड़ी तादाद में हमें सुनने के लिए आई हैं। आगे तो नहीं है, क्योंकि आगे तो नारे लगाने वाले बहुत खड़े हैं, लेकिन पीछे हमारी महिलाएं काफी तादाद में हमें सुनने के लिए आई हैं। तो मैं उनसे ये अपील करना चाहूंगी
कि वोट वाले दिन हमारी महिलाएं अपने घर में कामकाज बाद में करेंगी, सबसे पहले अपने पुरुषों को साथ में लेकर अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपने उम्मीदवार को वोट डालने के लिए समय से प्रातः जरूर जाएंगी। इसके साथ साथ आपकी हर पोलिंग बूथ की कमेटी को भी इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपके अपने पोलिंग बूथ का, पोलिंग बूथ के क्षेत्र का कोई भी वोट पड़ने से ना रह जाए। और अब मैं पुनः अपने गठबंधन के सपा के इन दोनों उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की पुरजोर अपील करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करती हूं। लेकिन अब मेरे बोलने के तुरंत बाद ही सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव भी अपने गठबंधन को कामयाब बनाने के लिए अपनी जरूरी बातें आप लोगों के सामने रखेंगे और फिर चौधरी अजीत सिंह भी अपनी बात आपके सामने रखेंगे। अब मैं आप लोगों से यही विदा लेती हूँ। जय भीम, जय लोहिया व जय भारत। चुनावी जनसभा में हमारे साथ मंच पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मायावती जी, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अजीत सिंह जी, मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जी, बहुजन समाज पार्टी के युवा नेता आकाश आनंद जी, बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय किरण नंदा जी, प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम जी, बहुजन समाज पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी, आरएलडी के सभी नेता कार्यकर्ता इस चुनावी जनसभा में बड़ी संख्या में उपस्थित हमारे वाराणसी लोकसभा और आसपास के सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग किसान भाई, बुनकर भाई, यहां पर उपस्थित बड़ी संख्या में माताएं बहनें, बड़ी संख्या में हमारे नौजवान साथी पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा में उपस्थित आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। ये चुनाव जिस समय हम और आप मिल रहे हैं, चुनाव प्रचार का एक दिन बाकी है, कल के बाद चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। चुनाव प्रचार खत्म होते ही वोट डालना है और जैसे ही वोट डल करके खत्म होगा, अगर आप दिन गिन लें तो अब केवल 7 दिन बाकी हैं। 7 दिन बचे हैं, देश को नया प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। आप गिन लो, आज के बाद केवल 7 दिन हैं और 7 दिन बाद एक देश का नया प्रधानमंत्री होगा। इसलिए हम बनारस के अपने सभी लोगों से निवेदन करने आए हैं, अपील करने आए हैं। वैसे तो न जाने कितने लोग धोखा खाए होंगे, ये धोखे वाली सरकार और धोखे वाले प्रधानमंत्री जी ने न जाने कितनों को धोखा दिया होगा, लेकिन जो धोखा बनारस के लोगों को मिला है, ऐसा धोखा किसी को नहीं मिला होगा।
बताओ यही तो शहर है, यही हमारी धार्मिक नगरी, यही सांस्कृतिक नगरी और धरती का सबसे पुराना शहर, यही तो शहर है जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम बनारस को क्यूटो बना देंगे। बताओ हमारे बनारस के साथियों, हम वाराणसी में आए हैं कि क्यूटो में आए हैं? और अगर क्यूटो में नहीं आए हैं तो देश को नया प्रधानमंत्री दीजिए, यही मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई क्यूटो गया होगा, यहां जितने लोग बैठे हैं कोई क्यूटो गया क्या? अरे ये नौजवान हैं, मोबाइल चला लेते हैं, कभी तस्वीर तो देखी होगी क्यूटो की, तस्वीर तो देखी होगी, और अगर नहीं देखी हो तो जरा टाइप करना उस पर क्यूटो, क्यूटो लिख देना और तस्वीरें देख लेना और अपने शहर से किसी कोने से तस्वीर मिला लेना, तो आपको लगेगा कि इससे बड़ा धोखा कोई हो नहीं सकता जो देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया हो। हम कभी गए थे अपने बचपन में क्यूटो, हमें देखने का मौका मिला कभी क्यूटो, और जब मैंने सुना कि बीजेपी के लोग और देश के प्रधानमंत्री हमारे वाराणसी को क्यूटो बनाना चाहते हैं, हमें भी थोड़ी देर के लिए अच्छा लगा। और मुझे याद है जब मैं क्यूटो देखने गया था तो जापान की राजधानी टोकियो से एक बुलेट ट्रेन में बैठ के गया था। उस बुलेट ट्रेन में बैठ करके हम क्यूटो तक पहुंचे थे और क्यूटो देखने का काम किया था। और आज जब मैं बनारस के बारे में सुनता हूं तो हमें दुख होता है, तकलीफ होती है कि बताओ धोखा किसी को दे देते, हमें दे देते और को दे देते, लेकिन सोचो बाबा भोले जी के नगरी को और हमारे, बताओ भगवान को धोखा दे दिया। बताओ गलियों में कूड़ा है कि नहीं है? और जो लाइन पड़ी थी सीवर की अभी तक नहीं जोड़ पाए हैं, न जाने कितना कचरा है। यही शहर जिसके बगल में हमारी गंगा मैया बहती हैं और एक तरफ वर्णा नदी भी है, बताओ शहर के लोगों आपको पानी पीने के इंतजाम के लिए क्या व्यवस्था की है? पानी पीने को नहीं और स्वच्छ भारत का सपना दिखाया, बताओ स्वच्छ भारत का सपना दिखाया, पैर धोए और हम पैर धोने के चक्कर में रहे, हमारे नौजवानों की सब नौकरियां धो दी। बताओ कैसा है हाल गलियों का, क्या हाल बना दिया बताओ? और गंगा मैया की कसम खाई थी कि गंगा मैया हम तुम्हें साफ कर देंगे, और हम आपसे कहना चाहते हैं जिनकी नीयत साफ नहीं है वो कभी गंगा मैया को साफ नहीं कर सकते। हमारे नाव चलाने वाले लोगों को धोखा दे दिया, हमारे नाव चलाने वालों को, उन्हें भी परेशानी में डाल दिया। वादा तो क्यूटो का था, वादा तो गंगा मैया साफ का था, लेकिन वादा ये नहीं था कि हमारे नाव चलाने वालों को भी धोखा दे देंगे। सोचो सोचो कैसे कैसे धोखे खाए हैं आपने,
यही बनारस जब लोकसभा के चुनाव में मैं आया था, हमारे साथी जानते होंगे, हमने आखिरी में वादा किया था कि ये जो बनारस के तार दिख रहे हैं, इन तारों को अगर आप जिता दोगे तो तारों को अंदर कर देंगे। बताओ कितने तार अंदर हो पाए हैं अभी, बताइए आप। और ये जो बिजली का दावा करते हैं हमारे बाबा मुख्यमंत्री, ये जो बाबा मुख्यमंत्री कहते हैं कि बिजली हमने दी है बनारस में, अरे हमारे पत्रकार साथियों जानते होंगे, वो तो समाजवादी लोग थे। हमारा सीना बड़ा हो ना हो बड़ा, लेकिन हमारा दिल बड़ा है। और हमारे साथी जानते होंगे कि एक पूरे हमारे बुजुर्ग विधायक, हमारे एक पूर्व बुजुर्ग विधायक धरने पे बैठ गए थे। वो ऐसे धरने पर बैठे और उन्होंने कहा कि जब तक वाराणसी को 24 घंटे बिजली नहीं मिल जाएगी तब तक हम धरने से नहीं उठेंगे। हमें जानकारी मिली, उस समय के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान ने हमें बताया कि एक बुजुर्ग विधायक हैं, उम्र बहुत है, अगर आपने बिजली नहीं दी तो हो सकता है उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए। हमने उन्हें बुलाया और बुला करके उनकी तकलीफ सुनी, और सुनने के बाद मैंने कहा कि अगर यही मांग है आपकी और इसके बाद आप भूख हड़ताल तोड़ दोगे तो हमने कहा हम आपका वादा पूरा करते हैं, और उस दिन के बाद कभी भी बनारस में 24 घंटे बिजली कभी नहीं गई। हम तो बधाई देंगे उन विधायक, अगर भूख हड़ताल पे न बैठे होते तो शायद बिजली नहीं मिलती। और विधायक जी से मैंने वादा किया था और उन्होंने भी हमसे वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा बढ़वा देंगे, लेकिन बताओ बनारस के लोगों, जो वादा तोड़ दें, कोटा नहीं बढ़ा बिजली का। और देखिए जिन्होंने बिजली दिलाई 24 घंटे उनकी टिकट काट दी, अब पता नहीं रिटायरमेंट में किस घाट के पास बैठे भजन सुन रहे होंगे। बताओ अपने लोगों को धोखा देते हो ये। और कभी कभी बाबा मुख्यमंत्री भी न जाने क्या क्या कहते हैं। बताओ साथियों, ये चाय वाला बन करके आए थे और हमें और आपको धोखा दे दिया। बताओ बनारस के लोगों, चाय के बहाने लोगों ने समर्थन दे दिया, आप तो जान गए होंगे चाय कैसी निकली है। और वही चाय वाले अब चौकीदार बन करके आ रहे हैं, क्या आपको भरोसा है ऐसे चौकीदार पर? और आपके प्राचीन न जाने कितने मंदिर तोड़ दिए गए, बताओ हमारी विरासत को खत्म कर दिया, जो सदियों से सजोई थी विरासत, बताओ न जाने कितने मंदिर तोड़ दिए। बताओ मंदिर तोड़े कि नहीं तोड़े? मंदिर तोड़ दिए, वो हमारी विरासत थी जो हम आने वाली पीढ़ी को विरासत दे करके जाते, इन्होंने हमारी विरासत को भी खत्म करने का काम किया है। ये चौकीदार बन करके आए हैं और वही बाबा मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में हैं, उन्होंने कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए सदन में कहा कि जाओ कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगी अगर आप ठोक दोगे, और ठोको नीति का असर यह हुआ है कि कोई किसी की सुनवाई नहीं। बताओ यहां चोरियां हुई हैं, यहां पर कानून व्यवस्था क्या है? बताओ बनारस के लोगों, डकैती हुई नहीं पता लगा, सुनारों का सोना चला गया,
हमारे सराफा व्यापारी जानते होंगे, पुलिस के सामने सामने पूरा का पूरा चोरी हो गया, आज तक नहीं मिला। बताओ ठोको नीति का सर क्या हुआ? और हमने तो देखा कई जगह जो ठोको नीति सिखाई थी हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे विधायक और सांसदों में भी आजकल ठोको नीति चल रही है। कभी सांसद जी विधायक जी को ठोक रहे हैं, कहीं पर पुलिस ठोकी जा रही है, और जो हमने अच्छा इंतजाम किया था 100 नंबर पुलिस का, वैसे तो आपके सांसद जी दुनिया के हर कोने घूम आए, शायद ही कोई कोना बचा होगा घूमने का जाना गए हो। बताओ हमारे बनारस के लोगों कुछ मिला है आपको कि नहीं मिला है? सबसे गले मिले लेकिन मिला कुछ नहीं आपको। समाजवादियों ने दिया सबसे बेहतरीन चीज, 100 नंबर की पुलिस दी, 100 नंबर की फोन मिलाओ और पुलिस पहुंच जाएगी, आपकी मदद करेगी। यही बनारस शहर है, कोई मोहल्ला नहीं होगा जहां पर समाजवादियों का लैपटॉप ना पहुंच गया हो। और वो ऐसे लैपटॉप दिए कि जो आज भी चलते हैं तो नेताजी और हम ही लोग दिखाई देते हैं। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने लैपटॉप नहीं दिए, वो इसलिए नहीं दिए क्योंकि वो चलाना नहीं जानते हैं। तो क्या हुआ डिजिटल इंडिया का, क्या हुआ हमारे? ऐसे नाम दिए थे डिजिटल इंडिया, कहा कि स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, क्या हुआ मेड इन इंडिया? और इस बार बनारस बताएगा कि मेड इन इंडिया क्या है, एक एक बोर्ड देकर के बताएगा कि मेक इन इंडिया क्या है। इसलिए धोखा खाए, ये सरकार धोखे से बनी है। इन्होंने गंगा मैया साफ करने की बात कही, नहीं साफ कर पाए। हमने कहा था कि हम वर्णा साफ करके दिखा देंगे और काम शुरू हो गया था, लेकिन पता नहीं क्या किया इन्होंने, वर्णा नदी का काम रोक दिया, नहीं हो रहा काम। बताओ काम हो रहा है वर्णा नदी में क्या नहीं हो रहा है? हम तो कहते हैं कि काम पे बात कर लो, आज काम पे बात नहीं कर रहे हैं। बताओ अच्छे दिन आ गए क्या? बताओ नौकरी मिल गई क्या किसी को? और नोटबंदी के बहाने हमारा आपका पैसा सब छीन लिया, सब जमा करा लिया। याद करो वो दिन हमारे बनारस के साथियों, जब नोटबंदी हुई थी, बताओ कारोबार रुक गया क्या नहीं रुक गया? उससे हमारे बुनकर भाई जानते होंगे कि मजदूरी से लेकर के हमारे तमाम लोग जो हाथ से काम करते हैं उनकी रोजी रोटी छिन गई कि नहीं छिन गई? और जो लोग दूर जगह काम भी करते थे, जो यूपी छोड़ करके कहीं और भी काम पर चले गए थे, लेकिन इस नोटबंदी ने और जीएसटी ने उनको वापस घर भेज दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का काम है। बताओ नोटबंदी से कहां काला धन आया? और जो पैसा जमा भी था वो तमाम उद्योगपति भारत छोड़ करके भाग गए। भाग गए कि नहीं भाग गए? तो हमारे आपके साथी नहीं थे, वो किसी और के साथी थे, इसलिए ये प्रधानमंत्री हमारे आपके नहीं हैं। हम बनारस के लोगों से कहना चाहते हैं, ये प्रधानमंत्री हमारे आपके नहीं हैं, ये देश की 1% जो संपन्न आबादी है उसके प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे आपके प्रधानमंत्री नहीं हैं। इन्होंने धोखा दिया और अर्थव्यवस्था हमारी नीचे जा रही, और जिस समय अर्थव्यवस्था नीचे जाती है ये समझ लेना कि नौकरी और रोजगार किसी के हाथ में नहीं लगने वाले।
इसलिए बहुत सारे सवाल हैं। ये प्रधानमंत्री जी का छह जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं कि आने वाले समय में महागठबंधन आ रहा है। ये घबराए हुए हैं और ठीक कहा आदरणीय मायावती जी ने कि अब सो नहीं पा रहे हैं, अब नहीं सो पा रहे हैं, घबराए हुए हैं और अब तो हार चेहरे पे दिखाई देने लगी है। और केवल यूपी से नहीं घबराए हैं, बंगाल से भी घबरा गए। बताओ हमारे गठबंधन को, जो आपका हमारा गरीबों का गठबंधन है, उसे कहते हैं कि जाति का गठबंधन है। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि ये गठबंधन जातियों का गठबंधन नहीं है, ये हमारे गरीब लोगों का गठबंधन है और ये टूटने वाला नहीं है, क्योंकि दिलों से गठबंधन बना है। और फिर हमारे बनारस के साथी तो जागरूक हैं। बताओ पहले चरण से सुनाई दे गया कि नहीं सुनाई दे गया, वोट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। और अगर हम सब जीत करके आ रहे हों, सब जगह गठबंधन जीत रहा हो, बताओ चंदौली में क्या हाल है गठबंधन का। बताओ संजय चौहान जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं। बगल में हमारे निषाद भाई भी लड़ रहे हैं मिर्जापुर से। और ये सरकार कहती कि हम बहुत बहादुर हैं। ये सरकार अपना कहती, दावा करती है बहुत बहादुर है सरकार, लेकिन सोचना कभी, अगर आंकड़े निकालना कोई चाहे और अगर आंकड़े आ जाएं, तो कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हमारा जवान एक शहीद ना हो रहा हो। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो दावा करते हैं कि हम सीमा को सुरक्षित रख सकते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारत की सीमाएं कभी इतनी असुरक्षित नहीं जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में असुरक्षित हैं। और हम अगर जानना चाहें इनसे कि बताओ हमारे किसानों ने कितनी आत्महत्या कर ली, वो जवाब नहीं देना चाहते। अगर हम उनसे पूछें कि बताओ हमारे नौजवान कितने हैं जो आज बेरोजगार हैं, जो घर बैठे हैं, ये सरकार जवाब नहीं देना चाहती। और ये सरकार जो आतंकवाद से लड़ना चाहती है, बताओ बनारस के लोगों, आपने देखा है अपने सामने, जो आतंकवाद से लड़ना चाहते हैं वो एक जवान तेज बहादुर यादव से नहीं मुकाबला कर पाए। बताओ क्या मुकाबला कर पाए? ये जवान कुछ सवाल लेकर के पूछना चाहता था, इस जवान के पास कुछ सवाल थे। बताओ आप दाल अच्छी नहीं दे पा रहे हो और बनारस में रबड़ी खा रहे हो, यहां रोटी नहीं दे पा रहे, आप इनको वर्दी नहीं अच्छी दे पा रहे, इनकी मांग इतनी तो थी कि मोजे अच्छे मिल जाएं, हमें जूते अच्छे मिल जाएं, हमारी वर्दी अच्छी मिल जाए, हमें बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए, हमें बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए। बताओ ये जवाब नहीं दे पाए। बताओ ये सरकार केवल एक जवान से घबरा गई हो, क्या आतंकवाद से लड़ेगी सरकार? इसलिए साथियों, ये बनारस का चुनाव देश देखेगा, ये बनारस की पहचान और बनारस के बारे में दुनिया जानती है। यही लोग जो दावा करते थे, झूठा सपना दिखाते थे कि देखो दुनिया के लोग हमारा कितना सम्मान कर रहे हैं, जब फ्रांस के प्रेसिडेंट आए थे, जो उद्घाटन किया था, जो सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया आपके मिर्जापुर में,
यही भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी और फ्रांस के राष्ट्रपति को लेकर के आए थे। कभी सोचो किसने बनाया था वो, बताओ समाजवादियों ने बनाया था कि नहीं बनाया था। और दुनिया के दूसरे एक राष्ट्रपति जी को लाए थे, दिल्ली में मेट्रो से बैठा करके नोएडा तक लेकर के गए थे। वो बताओ सपा और बसपा ने वो मेट्रो बनाई थी कि नहीं बनाई थी। बहुत गले मिले दुनिया के न जाने कितने लोगों से, और जब 5 साल पूरे हो गए तो दुनिया के अखबार क्या लिखते हैं। दुनिया के अखबार जो सबसे बड़े अखबार है वो लिखता है कि अगर सरकार दोबारा आ गई तो भारत से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। दूसरा अखबार लिखता है जिसने कभी तारीफ की तब कुछ नहीं कहा, और अगर उसी दुनिया की सबसे बड़ी मैगजीन ने लिखा कि ये जो प्रधानमंत्री हैं ये समाज को बांट देते हैं, ये समाज को बांटने वाले प्रधानमंत्री हैं, तो कहते हैं कि लिखने वाला पाकिस्तानी है। सोचो अगर दुनिया जान गई है कि लोकतंत्र खत्म होने जा रहा है, और दुनिया अगर ये जान गई है कि प्रधानमंत्री जी का गुजरात मॉडल कोई मॉडल नहीं था, वो जातियों को बांटने वाला और धर्म के बीच में नफरत फैलाने वाला मॉडल था, तो बताओ बनारस के लोगों मदद करोगे कि नहीं करोगे। हमारे ये नौजवान किसान तो मदद करेंगे, लेकिन हम आपके माध्यम से उन पढ़े लिखे लोगों से भी निवेदन करना चाहते हैं, उन व्यापारियों से भी निवेदन करना चाहते हैं जो जागरूक हमसे ज्यादा हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं चीजें। हम उनसे जानना चाहते हैं कि बताओ देश का लोकतंत्र खतरे में है कि नहीं है, और अगर लोकतंत्र खतरे में है तो चाबी आप पर है, आप हिसाब किताब कर सकते हो। देश में जीत हार होगी, हम जीतेंगे, सीटें ज्यादा जीत रहे हैं, लेकिन बनारस में भी साइकिल चले यही हम आपसे निवेदन करने आए हैं। और हम एक बात और कहना चाहते हैं, ये कांग्रेस पार्टी जिसने आजादी के बाद से अभी तक धोखा दिया हो, गलत रास्ते पर देश को ले जाने का काम किया हो, आप सोच समझ करके कभी ठंडे दिमाग से सोचना। जो रास्ता कांग्रेस का है वही बीजेपी का है, और जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, और बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। वो कहते हैं कि हमें बीजेपी नहीं रोकनी है, हमें अपनी पार्टी बनानी है। बताओ ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का है कि अपनी पार्टी बनाने का है? और अगर लोकतंत्र बचाने का है तो हम अपने सभी लोगों से कहते हैं कि एक भी वोट बढ़ ना पाए और एक भी वोट घट ना पाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम एक बार फिर अपने समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी शालिनी यादव जी के लिए आपसे सहयोग और मदद मांगने आए हैं। बताओ मदद होगी कि नहीं होगी? ये समाजवादी पेंशन देने वाले लोग हैं, बीजेपी के लोग माताओं बहनों का सम्मान नहीं करते हैं, केवल धोखा देते हैं। और फिर अगर तेज बहादुर लड़े होते तो बताओ क्या होता, और अगर तेज बहादुर नहीं लड़ पाए तो बताओ नौजवानों आप तेज बहादुर बनोगे कि नहीं बनोगे? अगर तेज बहादुर बन सकते हो तो साइकिल चलेगी, कोई दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उन्होंने कोई वादा नहीं पूरा किया है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सबसे निवेदन कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि शालिनी यादव जी की मदद करें, और दूसरे हमारे प्रत्याशी डॉक्टर संजय चौहान लड़ रहे हैं उनका भी सहयोग करना, मदद करना। दोनों के दोनों साइकिल चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे हैं, और ये गठबंधन आने वाले समय में देश को नई दिशा में लेने करके जा रहा है। ये बीजेपी के लोग जो कहते हैं कि हम नया भारत बनाना चाहते हैं, हम उन बीजेपी के लोगों से कहना चाहते हैं ये गठबंधन देश को नया प्रधानमंत्री देने जा रहा है, और नए प्रधानमंत्री के साथ साथ नया भारत बनाने का काम ये गठबंधन करेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं।
माननीय कुमारी मायावती जी, माननीय अखिलेश यादव जी, सम्मानित मंच और बनारस से आए हुए साथियों और नवयुवकों, 19 तारीख को आखिरी चरण का चुनाव है और जो भीड़ मैं यहां देख रहा हूं, पहली मीटिंग गठबंधन की सहारनपुर में हुई थी 7 अप्रैल को, करीब 15 मीटिंग हो चुकी है, हर मीटिंग में भीड़ बढ़ती गई है, जोश बढ़ता गया है और आज सबसे ज्यादा भीड़ और सबसे ज्यादा जोश मैं बनारस में देख रहा हूं। चुनाव तो हर 5 साल में होते हैं लेकिन चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहली बार 70 साल की आजादी में सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने कहा हमारा प्रजातंत्र खतरे में है। जितने भी हमारे संवैधानिक संस्थाएं हैं, सीबीआई हो, इलेक्शन कमीशन हो, आरबीआई हो, सबकी स्वतंत्रता मोदी साहब ने खत्म कर दी है और अगर मोदी साहब ये चुनाव जीत गए तो आपको अपना सरकार बनाने का अधिकार भी खत्म हो जाएगा, फिर आगे चुनाव नहीं हुआ करेंगे, मोदी ही आपके सर पे बैठे रहेंगे। तो आपने तो मुझे लगता है मन बना लिया है। मोदी साहब प्रचारक थे और आज भी प्रचारक हैं, सपना दिखाते हैं, सपने को धरती में उतारने की कोई योजना उनके पास नहीं है। क्या क्या वादे किए थे, अच्छे दिन आ गए क्या, 2 करोड़ रोजगार मिल गए क्या, स्मार्ट सिटी बन गई क्या, स्वच्छ भारत हो गया क्या, अयोध्या में मंदिर बन गया क्या, एक भी वायदा मोदी ने पूरा नहीं किया। अब मोदी जी इनकी बात नहीं करते, 2 महीने से मैं इनके भाषण सुन रहा हूं, दिन पे दिन ऊल जलूल भाषा बढ़ती जा रही है, 5 साल के काम का कोई जिक्र नहीं है। फिर मोदी साहब कहते हैं मैं तो गरीब आदमी हूं, देखा कैसे कपड़े पहनता है, देखा कैसे घूमता है दुनिया भर में, ये गरीब आदमी है तो अमीर कौन है, 70 करोड़ के तो कपड़े साल में सरकार का खर्चा है इसका, दिन में 3 बार टीवी में भाषण करता है। भैया अच्छे दिन आपके नहीं आए हैं, अच्छे दिन तो मोदी के आ गए, अब जरूरत है हम अपने अच्छे दिन वापस लाए और मोदी के बुरे दिन 23 तारीख से शुरू कर दें। मोदी साहब जैसा नफरत की राजनीति करते हैं, मोदी साहब के दिल में किसी के लिए कोई जगह नहीं है। भाजपा कहती है बड़े मजबूत प्रधानमंत्री हैं, सच है छाती 56 इंच की है, दिल 1 इंच का भी नहीं है। इनके दिल में गरीब के लिए, किसान के लिए, बेरोजगार के लिए, अखिलियत के लिए, दलित के लिए कोई जगह नहीं। चौकीदार हो गए अब तो, चौकीदार कैसा है ये पता है, चौकीदार चौकीदार चौकीदार, ये प्रधानमंत्री सच बोलता है कि झूठ बोलता है, प्रधानमंत्री झूठा है, देश की बागडोर झूठे आदमी के हाथ में दे दोगे, नहीं देनी है। ये पता नहीं किस दुनिया में रहता है, 5 साल प्रधानमंत्री बने हो गए, सारी बिजली गांवों में, सारी सड़कें, सारे पुल, सारा काम दुनिया में इसने किया है, हिंदुस्तान में 70 साल में कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ने किया है। ये इतना झूठा आदमी है, अगर ये श्रीलंका चला जाता तो लौट के कहता रावण को मैंने ही मारा। इसके दिल में सिर्फ अपने लिए प्यार है और किसी के लिए प्यार नहीं। तो इसलिए
किसानों का क्या किया? मैं जानता हूं ये शहर की मीटिंग है, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं गांव से आए हो। इतनी बुरी हालत किसानों की कभी नहीं हुई जो मोदी ने कर दी। फसलों का दाम नहीं मिला, और मैं गांव में जाता हूं तो किसान कहते हैं मोदी और योगी हमारी फसल चढ़ते हुए घूम रहे हैं गांव गांव में। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? गाय की इतनी बुरी हालत हमारे देश में कभी नहीं हुई। जब से गोरक्षक आ गए हैं सड़कों पे गाय मर रही हैं, गौशाला में भूखी मर रही हैं। अब गाय की हाय भी भाजपा पे लगने वाली है। तो इसलिए क्या तय मन किया है आपने? देखिए भाजपा हार रही है, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही दिल्ली में मोदी की सरकार खत्म करने वाला है। 73 एमपी इनके यहां से थे, अब ये दो दुहाई के नंबर पे पहुंचने वाले नहीं है। लेकिन यही हाल इनका सारे देश में है। बस मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं, टीवी देखना बंद कर दो तीन दिन के लिए, सिवाय मोदी का चेहरा। और अब तो लोग टीवी बंद कर देते हैं, चेहरा देख के कर देते ना। सोच समझ के वोट दो, मोदी का चेहरा देख के वोट देना खत्म करो। मैं एक नारा देना चाहता हूं आपको, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन झूठों की सरकार बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो। और यहां नौजवान बहुत देख रहा हूं मैं, आपने क्या नारे लगाए थे 2014 में? हर हर मोदी, घर घर मोदी, यही नारे लगाए थे ना, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब नया नारा है, हाय हाय मोदी, बाय बाय मोदी, हाय हाय मोदी, हाय हाय मोदी, गया मोदी, जय। गठबंधन है, गठबंधन है, दिल से दल का ये बंधन है। गठबंधन है, गठबंधन है, दिल से दल का ये बंधन है। गठबंधन है, गठबंधन है, देश की सूरत बदलेंगे ये मन है। गठबंधन है, गठबंधन है।